हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीटी 10+2 के लिए राजस्थान के प्रमुख फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, जहां से अभी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख आयोग, जिसे 2-3 सवाल हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास में। तो 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पर आपका टॉपिक है राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग, जिसमें राज्य महिला आयोग की जो स्थापना होती है, वो आपकी स्थापना 15 मई 1999 में भी होती है। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। इसकी जो प्रथम अध्यक्ष है वो कांता कथुरिया जी थी, और वर्तमान जो अध्यक्ष है रिहाना रियाज चिश्ती। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके जो है लैब असिस्टेंट के अंदर ये सवाल आया था, तो वापस ही आ सकता है, याद रखना। राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है रिहाना रियाज चिश्ती, और प्रथम अध्यक्ष कांता कथुरिया जी थी। स्थापना 15 मई 1999 होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं। राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और अनुच्छेद 243(i) से संबंधित है। गठन की बात करें तो यह जो है 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष के गोयल, ये अभी आपका सीटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था। सीटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, शिफ्ट पहली में जो है यह सवाल आया था, तो वापस से आ सकता है। प्रथम अध्यक्ष थे के गोयल और वर्तमान अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। तो अभी आपसे पूछा जा चुका है कि के गोयल जो है प्रथम अध्यक्ष थे, अभी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, तो प्रद्युमन सिंह छठे जो है सदस्य हैं ये। अन्य सदस्यों की बात करें, लक्ष्मण सिंह रावत हैं, अशोक लाहौरी हैं, इस बात को याद रखना आप लोग। अशोक लाहौरी अपने सांगानेर से जो है MLA हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना होती है 9 दिसंबर 1957 के अंदर, और इसका पहले जो मुख्यालय जयपुर के अंदर, अभी जो है वर्तमान में अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर स्थित है। गठन की बात करें, 1961 में गठन होती है। अभी जो है अजमेर में इसका जो है इस मुख्यालय है। कुल सदस्य कितने होते हैं, 36 कुल सदस्य हैं। वर्तमान में जिसके अध्यक्ष है वो है गौरव अग्रवाल। कौन है, गौरव अग्रवाल जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। राजस्थान राजस्व मंडल की अगर हम बात करें, राजस्थान राजस्व मंडल होगा, स्थापना 1949 सबसे पहले हुई थी जयपुर के अंदर, उसके बाद में 15 नवंबर 1958 को अजमेर में इसकी स्थानांतरण हुआ। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजेश्वर सिंह है, याद रखना। राजस्थान राजस्व मंडल की अगर हम बात करें, रेवेन्यू बोर्ड की अगर हम बात करें, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं राजेश्वर सिंह है, और 1949 में जयपुर में स्थापना की गई थी, और इसका जो स्थानांतरण है अजमेर के अंदर 15 नवंबर 1958 को हो गया था। आगे हम बढ़ते हैं, राज्य सचिवालय की बात करते हैं, स्थापना 1949 में होती है। मुख्य अधिकारी, मुख्य सचिव जो है वर्तमान में, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा। न जाने कितनी एग्जाम में पटवार हो, वीडियो हो, लैब असिस्टेंट हो, सीईटी हो, वन रक्षक वनपाल हो, हर एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि राजस्थान का जो है वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, श्रीमती उषा शर्मा है। स्थापना सचिवालय की 1949 में होती है, ये बात आप लोग याद रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। RPSC का जो मुख्यालय है आपका अजमेर के अंदर है। 16 अगस्त 1949 के अंदर एक अध्यादेश जारी होता है, और इस अध्यादेश का प्रकाशन जो है 20 अगस्त 1949 को होता है, और उसके बाद में अध्यक्ष की नियुक्ति का जो प्रकाशन है वो 22 दिसंबर 1949 को होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, RPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, SK घोष थे, इस बात को आप लोग याद रखना। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं संजय कुमार हैं, संजय कुमार श्रोत्रिय जो हैं वर्तमान में RPSC के अध्यक्ष हैं, इस बात को याद रखना। और नियुक्ति किसके आदेश पर की जाती है, तो राज्यपाल के आदेश पर नियुक्ति की जाती है। यहां से 2 सवाल डेफिनेटली बन सकते हैं, एक तो RPSC के पहले अध्यक्ष कौन से थे, SK घोष, दूसरे कौन से हैं, मतलब वर्तमान में कौन से हैं, संजय कुमार, और नियुक्ति राज्यपाल के आदेश पर की जाती है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि RPSC के जो अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो यहां पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्य महिला या मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, तो यहां से भी सवाल बनता है, राज्य मानवाधिकार आयोग यहां से भी सवाल बनता है। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना जो है 18 जनवरी 1999 में होती है। कार्य आरंभ की बात करें, अप्रैल 2000 से इसका कार्य स्टार्ट होता है। अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष है, वो कौन है, तो कांता भटनागर इनकी प्रथम अध्यक्ष था, कांता भटनागर। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो गोपाल कृष्ण व्यास जो है वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय जयपुर में है, स्थापना 18 जनवरी 1999 में हुई, याद रखना आप लोग। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य सूचना आयोग की बात करें, मुख्यालय जयपुर में है,
प्रथम अध्यक्ष एमडी कोरानी थे, ठीक है ना। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीबी गुप्ता। राज्य सूचना आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डीबी गुप्ता है। गठन 13 या 18 अप्रैल 2006 को, आरटीआई लागू 12 अक्टूबर 2005 से। याद रखना आरटीआई एक्ट कब से लागू होता है? 12 अक्टूबर 2005 से लागू होता है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी बहुत सवाल बनते हैं। इसका मुख्यालय जयपुर में है। जुलाई 1994 में स्थापना होती है। अनुच्छेद 243 के है। प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? अमर सिंह राठौड़। याद रखना प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? अमर सिंह राठौड़। और निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, ठीक है ना। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंदर 1973 के अंदर लागू होता है। और इसके तहत 3 फरवरी 1973 को इन पदों का सृजन किया जाता है। प्रथम लोकायुक्त है आपके आईडी दुहा। प्रथम लोकायुक्त है आईडी दुहा, याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त जो है आपके केपी मेनन है। कौन है? केपीवी मेनन है। वर्तमान लोकायुक्त आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रताप कृष्ण लोहरा जी हैं। वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं राजस्थान के, प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। यहां से सवाल डेफिनेटली बन सकता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखना। तो ये राजस्थान के प्रमुख कुछ आयोग थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। यहां से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे और आप सभी को वीडियो को जरूर शेयर करना है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की और वीडियो में लेकर आऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू।